A very good morning class and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 25, we covered the topic capital account of balance of payment. And with that, we cover all the components of capital account as well as official reserve account. Now in this lecture, that is lecture number 26, we will cover the remaining topic of your chapter, balance of payment, that is equilibrium and disequilibrium in BOP, as well as autonomous and accommodating items and significance of BOP. First of all, equilibrium and disequilibrium in BOP. My dear students, as you know that the meaning of equilibrium is the state where LHS equals to RHS. वो पॉइंट जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, उसको हम BOP इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसको हम बेसिकली इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब वही सेम चीज़ BOP के साथ अकर होती है, देन इट इज़ टर्म्ड एज BOP इक्विलिब्रियम। नाउ द क्वेश्चन मस्ट अराइज इन योर माइंड कि सर व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ BOP इक्विलिब्रियम। सो BOP इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशंस इक्वल्स टू जीरो। जितना भी बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, चाहे वो करंट अकाउंट बैलेंस हो, कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो या एरर्स और ओमिशंस हो, इन सबको प्लस करने के बाद इफ आंसर इज जीरो एंड देर इज़ नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ सेंट्रल बैंक, अगर करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स इन ओमिशंस, इन सबको प्लस करके आंसर जीरो है और कोई भी ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट नहीं है, देन इट इज़ द सिचुएशन ऑफ BOP इक्विलिब्रियम। वी कैन से दैट BOP इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। BOP कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब नेगेटिव बैलेंस इन द करंट अकाउंट इज इक्वल टू काउंटर बैलेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नो चेंज इन ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब डिसइक्विलिब्रियम कब अकर होता है? अ डिसइक्विलिब्रियम इज सिचुएशन व्हेन सम टोटल ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस करके जीरो है तो आपका इक्विलिब्रियम है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, देन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो ये सिचुएशन क्या है बेटा? डिसइक्विलिब्रियम है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो या तो वो जीरो से ज़्यादा है या जीरो से कम है। सो इफ इट इज़ मोर देन जीरो तो क्या होगा? इफ़ इट इज़ लेस देन जीरो तो क्या होगा? सो BOP डिसइक्विलिब्रियम मीन्स करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। अब उस क्वेश्चन का आंसर कि इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज़ सम पॉजिटिव नंबर और इट इज़ सम नेगेटिव नंबर। अगर जीरो से ज़्यादा होगा बेटा तो वो BOP सरप्लस कहलाएगा और अगर जीरो से कम होगा तो वो BOP डिफिसिट कहलाएगा। देखिए BOP सरप्लस क्या सिचुएशन होती है? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर पॉइंटिंग टू नेट इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। ये BOP सरप्लस होता है। और BOP डिफिशिएट कब होता है? व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम नेगेटिव नंबर पॉइंटिंग टू लेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लीडिंग टू अ डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व। नाउ आफ्टर द BOP इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम, BOP सरप्लस एंड BOP डिफिशिएट, लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ BOP। BOP के ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या क्या होते हैं? राइट, there is the difference which first of all, before difference let's have a look. Autonomous items refers to such items of BOP या such transactions of BOP which are undertaken with a view to making profit. जो transactions BOP में profit के motive से किए जाते हैं वो autonomous transactions कहलाते हैं, और जो transactions BOP में they are undertaken with a view to correcting BOP imbalances. BOP में जो भी imbalances हैं उनको करेक्ट करने के लिए जो transactions किए जाते हैं वो accommodating items होते हैं। So autonomous items में transactions are done for profit motive and accommodating items में transactions are done for the BOP imbalances correction. See, here is the difference. Meaning देखिए, autonomous items profit के लिए, accommodating free from profit. रिजल्ट्स क्या होता है? ऑटोनोमस आइटम में इम्बैलेंसेस को इम्प्रूवमेंट किया जाता है और एकोमोडेटिंग में रीस्टोर किया जाता है। ऑटोनोमस आइटम इन्वॉल्व मूवमेंट अक्रॉस गुड्स एंड एकोमोडेटिंग इट ओनली इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। क्लासिफिकेशन देखें तो ऑटोनोमस आइटम्स अबव द लाइन कहलाते हैं
और accommodating बिलो दी लाइन कहलाते हैं। बेटा दिस डिफरेंस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तीन या चार नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको चार पॉइंट्स लिखवा दिए हैं ताकि आप लोग इसको आराम से पढ़ लें। नाउ द लास्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी अकाउंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है? नंबर वन, बीओपी अकाउंट शोज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ डोमेस्टिक इकॉनमी। अगर मैं इंडिया के बीओपी की बात कर रहा हूँ, सो वी कैन सी द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकॉनमी, राइट, के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिलेशन में क्या बीओपी इकॉनमी का स्टेटस है। नेक्स्ट, बोरोइंग रिवील क्या करती हैं कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी है और हमारी बैकवर्डनेस कितनी है डोमेस्टिक इकॉनमी की। दूसरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बीओपी डाटा हमें ये भी ऑफर करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन कि हमारी बाहर से होने वाली इनकम कितनी है या हम कितनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स एंड एम एज कंपोनेंट ऑफ एडी। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या है? इट इज़ एज अ कंपोनेंट ऑफ बीओपी, राइट। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की हेल्प से वी कैन सी द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस बिटवीन डोमेस्टिक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फोर्थ इज मार्केट पोटेंशियल। बीओपी अकाउंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पोटेंशियलिटी ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन द मार्केट, कि कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है या कितना मोर इन्वेस्टमेंट वी कैन डू। फिफ्थ इज मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। बीओपी परफॉर्म्स बैलेंस ऑफ पेमेंट परफॉर्म्स ऑफ अ कंट्रीज इम्पैक्ट्स इज मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। वी कैन ईजली आइडेंटिफाई द पॉलिसी रिगार्डिंग मनी एंड द पॉलिसी रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर। जितनी भी मनी के रिगार्डिंग पॉलिसी बनती हैं, जितनी भी फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग पॉलिसी बनती हैं, दोज ऑल पॉलिसीज आर फ्रेम विद द हेल्प ऑफ बीओपी ओनली। बीओपी हेल्प अस टू फाइंड आउट द करंट सिचुएशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट अकाउंट फॉर इट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेल्प से फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन किया जाता है एंड बीओपी प्लेज द वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दैट। सो विद दिस योर चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंप्लीटेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज मिला के 6 मार्क का आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में एंड बोथ चैप्टर्स आर फिनिश्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।